हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में मजे में होंगे। आज हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके उनके अर्थ को समझने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला शब्द है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। पहाड़ों से क्षितिज बहुत ही मनमोहक लगता है। अगला शब्द है विघ्न। विघ्न का अर्थ होता है बाधा होना। फूल न होने के कारण उनके हवन में विघ्न पड़ गया। अगला शब्द है ज्वर। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। राहुल को रात्रि में 102 तक ज्वर चढ़ गया। अगला शब्द है संस्कार। संस्कार होते हैं अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें। बच्चों को अपने विद्यालय में बहुत ही अच्छे संस्कार मिलते हैं। अगला शब्द है विश्वास पात्र। विश्वास पात्र का अर्थ है ऐसे लोग जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो हमारे विश्वास पात्र होते हैं। मेरे सभी मित्र मेरे विश्वास पात्र हैं, उन सभी पर मैं विश्वास कर सकती। अगला शब्द है शिष्ट। शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य। पढ़ लिख कर हम सभी शिष्टाचारी बन जाते हैं। अगला शब्द है स्नेह बंधन। स्नेह बंधन का अर्थ होता है प्यार का रिश्ता। माता पिता और बच्चों के बीच में स्नेह बंधन होता है। अगला शब्द है सहपाठी। सहपाठी का अर्थ होता है साथ में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं। कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक दूसरे के सहपाठी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम शब्दों के अर्थ समझने के लिए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं और वाक्यों में प्रयोग करने से उनके अर्थ हमें झट से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।